शाही खेल है और शाही खेल अब तो राजे रजवाड़े भी अब खत्म होते जा रहे हैं, राजे महाराजे भी खत्म होते जा रहे हैं, अब तो घोड़े भी कम दिखाई देते हैं। अद्भुत खेल है, निराला खेल है और जैसा मैंने कहा कि एक आजसी ठाट वाला खेल है, शाही खेल है, तो देखने में बहुत मज़ा आया। और बेसिकली गेम का वही मज़ा है, दो टीमें होती हैं और बेहतर टीम है वो जीत जाती है। हम एमेटर राइडर क्लब के लिए थोड़ा चिल्ला रहे थे क्योंकि हिंदुस्तानी टीम है और जाहिर है कि अंत तक चिल्लाते रहे, बदकिस्मती से वो हार गई आखिर में, लेकिन मज़ा आया। छोटा सा गेम है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत उत्साहित हुए हम देखे। देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि एक लीगल इशू है और इसके मामले में जितनी कम टीका टिप्पणी की जाए वो सही है। भावनात्मक तौर पर हम सब, चूँकि हमारी इंडस्ट्री के हैं, हम एक ही परिवार के हैं, तो हम सब संजय दत्त के साथ जज्बाती तौर पर और दिली तौर पर सब हम उनके साथ हैं, लेकिन कानून जज्बात को नहीं मानता है। अगर जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं जो संजय भी मानते हैं, मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा एक डिग्निटी वाली बात होगी कि आप, सबसे अच्छी बात है कि संजय ने कहा है कि हमसे गलती हुई है और मुझे कोई पार्डन नहीं चाहिए, मैं माफ़ी के लिए अपील नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए इंसान में, वो ताकत संजय में है। वो जेल काट के आए हैं और 3 साल की अवधि बड़ी एक छोटी अवधि होती है, किसी से न्याय की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है या अपील करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब उनके साथ हैं, आखिरी दम तक रहेंगे। जाने अनजाने जैसी भी गलती हुई है और संजय का ये बड़प्पन है जो उन्होंने कहा कि मुझे अपील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, सज़ा काटूंगा, जो तमाम ताकतें हैं इंडस्ट्री की वो संजय के साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि संजय जब बाहर निकल के आएंगे, जब वो जाएंगे बेहतर इंसान बनके और सारा कुछ जो है, जो कुछ भी हुआ है जाने अनजाने, वो सब कुछ अपने पीछे छोड़कर, दो खूबसूरत बच्चे हैं, पत्नी है और एक बड़ा लंबा एक करियर है जो उन्हें अब भी उस करियर का हिस्सा बनना है। और गलतियाँ सबसे होती हैं और पर हम आखिरी दम तक उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर कहीं ऐसी कोई गुंजाइश है कि उन्हें माफ़ी मिल सकती है तो क्यों।